जहां पर नारी आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक नई संसद में पेश हुआ है। नारी शक्ति वंदन बिल ये नाम दिया गया है, इसे नाम से जाना जाएगा। कल लोकसभा में इस पर चर्चा होनी है, राज्यसभा में आरक्षण, में आरक्षण पर हंगामा, ये आज की ताजा अपडेट है। इस बिल को लेकर के राज्यसभा में कल तक के लिए स्थगित किया गया है। खड़गे ने ओबीसी को आरक्षण देने की मांग उठाई है, महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर भी हंगामा हुआ है। तो नारी शक्ति वंदन इस बिल का नाम दिया गया है। जैसे ही पटल पर लाया गया, हंगामे के साथ शुरुआत हुई, जहां पर महिला आरक्षण विधेयक नई संसद में पेश किया गया, नारी शक्ति वंदन नाम दिया जाएगा। कल लोकसभा में इस पर चर्चा होगी, राज्यसभा में आरक्षण, में आरक्षण पर हंगामे के आसार, और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी बीच आपको यह बताया कि खड़गे ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के, यानी आरक्षण में आरक्षण की मांग को लेकर के हंगामे की तस्वीर आई। महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना, उनकी प्रेजेंस को बढ़ाना, इस मकसद के साथ इस बिल को लाया गया। लंबी कवायत रही, लेकिन जब यह बिल आज पटल पर रखा गया तो क्या क्या चीजें हुई ये आपने भी देखा। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहां 1/3 की बात चल रही है, यहां 1/3 की प्लीज, यहां 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है, मैंने तो आप वो बोल रहा हूं। और देखिए, इस हंगामे से पहले महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की कि हम सबको मिलकर इस बिल को पास कराना चाहिए, क्योंकि सवाल नारी शक्ति और उसके नेतृत्व का है। असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ, और दो कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। ये तो कार्यवाही की तस्वीरें आपने देखी, बयान आपने देख लिए, लेकिन अब हम चलते हैं ग्राउंड पर। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरी खबर पर उनकी पकड़ है। विकास, अगर आम लोगों की भाषा में मैं पूछूं तो 181 महिलाओं की जगह बनाई गई है, लेकिन ये जगह कैसी होगी? क्या ऐसा होगा कि मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन पूरी मेट्रो में महिलाएं कहीं भी बैठ सकती हैं? फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा इजी वर्ड्स में आप क्लियर कीजिए। ये देखिए, बिल पास होगा, बिल में अमेंडमेंट भी आगे आ सकते हैं, लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति बिल सरकार ने सदन में रखा है, लोकसभा में रखा है, उसमें जो स्थिति साफ की गई है वो साफ है कि ये बिल पास होने के बाद कानूनी रूप धारण करेगा और इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। ये आरक्षण 2026 की जनगणना के बाद 2027 में जो परिसीमन होगा उसमें जितनी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जनसंख्या बढ़ी है तो सीटें भी बढ़ने की संभावना है। अगर मान लीजिए आज की तुलना में 543 सीटों की बजाय 700 सीटें हो जाती हैं, तो फिर ये एक 700 का एक तिहाई, यानी कि एक तिहाई हुआ 33%, तो 700 सीटों में से 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मान लीजिए आज अगर दिल्ली में 7 सीटें हैं और दिल्ली की 7 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित हो जाती हैं, तो फिर 2029 का चुनाव उन 2 आरक्षित सीटों के साथ होगा। नई दिल्ली की सीट अगर आरक्षित हो गई तो अगली बार जब 2034 का चुनाव होगा तो फिर ये सीट रोटेशन के आधार पर किसी दूसरी सीट को आरक्षित कर दिया जाएगा।
तो ये तो तय है कि डब्बा आरक्षित होगा, लेकिन वो डब्बा आगे लगेगा या ट्रेन में बीच में आएगा या ट्रेन के पिछले हिस्से में लगेगा, ये रोटेशन के आधार पर तय होगा। लेकिन इतना तय है कि ये ऐतिहासिक दिन के लिए आज रखा सरकार ने पेश किया। अंकित के पास चलते हैं, अभी अभी आपके पास फिर वापस आएंगे। अंकित, आज के दिन की जो उठा पटक रही, ये तो साफ हो गया आम इंसान की निगाहों में कि इतना आसान नहीं है, पेचीदगी है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आने वाले हैं? देखिए, साफ तौर पर जो है जो विपक्ष है उसका ये कहना है, जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात हो रही है कि आपने महिला आरक्षण दे दिया लेकिन ओबीसी को जो है उसमें कितने स्थान मिलेगा, ओबीसी की महिलाओं के लिए आप अलग से आरक्षण उसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, एससी एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षण, इस तरीके की तमाम बातें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बात 2010 में भी जब ये राज्यसभा में बिल पेश किया गया था उस दौरान भी हुई थी और उसी के चलते विवाद हुआ था और सरकार की तरफ से यहां तक कहा गया था कि हमारे जो यूपीए के सहयोगी दल है उनमें ही सहमति नहीं बनवाई, इस वजह से ये बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया और वो बिल अधर में लटक गया था। और इसी वजह से अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुने, आरजेडी के सांसदों की बात करें तो उन लोगों का, तमाम लोगों का एक बार फिर से वही जो है रुख है कि आप जो है ओबीसी को इसमें जो महिलाओं को आरक्षण देंगे उसमें रिजर्वेशन कीजिए, यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। इसी तरीके से आरजेडी के नेता बात कर रहे हैं, इसी तरीके से और कुछ दल बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए पहले सबने आम सहमति दी कि आप बिल लाइए हम सब पास करवाएंगे, लेकिन अब उसमें क्लॉजेस जुड़ते जा रहे हैं कि हम पास तो करवाएंगे लेकिन ये शर्त मानी जाए, ये शर्त मानी जाए। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब बिल पर चर्चा होगी तो तमाम दल अपनी अपनी बातें रखेंगे और संशोधन के लिए मूव भी करेंगे। बिल्कुल, बिल कानून बने उससे पहले ही संशोधन के प्रावधान, बहुत सारी चीजें आ रही। मनोज्ञा, और कौन कौन सी ऐसी चीजें नोटिस की गई? क्योंकि तमाम महिलाओं के चेहरे पर खुशी तो है लेकिन आरक्षण के भीतर आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं गर्मा रहा है। मनोज्ञा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए हम नीरज का रुख करते हैं। नीरज, यही मसला है कि अगर ये कानून बन भी जाता है लेकिन आरक्षण के पीछे आरक्षण, आरक्षण में आरक्षण की ये जो राजनीति है ये दूर तक लग जाएगी या पिक्चर क्लियर हो जाएगी कल तक? देखिए, अगर इस पूरे मसले को समझना है तो अर्जुन मेघ, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, इशू है, इसे ठीक करते हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे खबर पर हम लगातार बने हुए क्योंकि आज जिस तरीके से सदन में ये पटल पर ये लॉ को लाने की कोशिश की गई, कानून बनने से पहले ही हो अल्लाह इतना मचा, इसे लेकर के सियासी उठापटक क्या है, इसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।